हरियाणा तो बड़ी वाइब्रेंट स्टेट है ना पॉलिटिकली तो नहीं वाइब्रेंट तो है लेकिन अभी वाइब्रेंट फॉर रॉन्ग रीजंस है नो 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 दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू कन्विंस दिस ऑडियंस दैट ऑल द रीजंस आर बेसलेस वेयर वी आर बीइंग क्या आया राम गया राम दिस इज यू हैव सीन वो तो बहुत पुरानी बात हो गई नई बातें भी उसी से जोड़ के सीखते तो वहीं से है ना दैट इज द बिगनिंग वो तो हमने सबको सिखा दिया अब सारे देश में आया राम गया राम हो रही है हम तो ठीक ठाक है हरियाणा का आप करेंगे ऑनर किलिंग ये वो ये इट हैज नो प्लेस इन आवर सोसाइटी इट इज ऑल योर यू नो सिटिंग इन दिल्ली हरियाणा तो जो जो नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो के फिगर्स हैं गैंगरेप कैपिटल है इंडिया की मैक्सिमम है 2% पॉपुलेशन है और सब यूपी से भी ज्यादा गैंगरेप्स नहीं नहीं वो देखिए आप जो जहाँ की बात करते हैं आप हम उत्तर प्रदेश से सटे हुए मे भी फरीदाबाद मे भी गुड़गांव मे भी पानीपत मे भी यमुनानगर सो अब उसका असर तो होता है ना तो ये अच्छा है वेस्टर्न यूपी में हरियाणा में सब पार वालों को ब्लेम करते हैं लेकिन वहां भी सरकार आपकी पार्टी की है यूपी में भी मैं सरकार की नहीं ऐसा एलिमेंट है It's not new as far as this NCR area is concerned. Uski wajah hai ki jo 10 rupaye gaz ki zameen thi wo 10,000 gaz aur aapke jahan ye bade log hain wahan to 10 lakh square one square meter land is of 10 lakh to ye crime jo ekdam pichle saalon mein रियल एस्टेट और ये दो चीज़ों से हुआ देखिए आप यू नो बेटर एक तो जब हरियाणा में शराबबंदी हुई उसका असर अगले 15-20 साल तक रहा क्राइम के एज फार एज क्राइम इज कंसर्न द सेकेंड विच इज परपेचुअल नाउ दैट इज दिस प्रॉपर्टी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी और किस किस का नाम लें आप Because people have too much money suddenly. नहीं नहीं जो जिन पे थे उनसे फिर छीनने की भी स्कीम बनाने लग गए लोग तो तभी तो क्राइम हुआ जिन्होंने बनाया उनको भी नहीं पता था इतना बनेगा तो who will part with that then naturally crime that is the only reason otherwise कोई ऐसा नहीं है और दूसरों को देखोगे आप वहाँ भी इतना ही मिलेगा problem of Haryana is the proximity to Delhi. प्रॉक्सिमिटी टू द नेशनल प्रेस दिस इज आवर प्रॉब्लम आप सर एक काम करते हैं हरियाणा को ले जाते हैं कहीं मिजोरम के आसपास नहीं ले जाओ नहीं आप अगर अपने जो जर्नलिज्म ये बोलता है कि यू शुड ऑल्सो टेक अप द मैटर रिलेटिंग टू द रिमोटेस्ट कॉर्नर ऑफ आवर कंट्री सो दैट दे शुड ऑल्सो रियलाइज कि मीडिया इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू दिल्ली एंड नेबरिंग हरियाणा also benefits from being in the neighborhood of Delhi and Chandigarh. That's why property prices have gone. That benefit is only this that you have invited me here.